हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। अजू डेटा फैक्ट्री के आज वीडियो में देखेंगे हम डेटा फ्लो में राइट ज्वाइन क्या होता है और उसका हम एक लाइव डेमो करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि लेफ्ट ज्वाइन का वीडियो हमने क्रिएट किया हुआ, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन का उल्टा होता है राइट ज्वाइन, जस्ट अपोजिट। ठीक है, राइट ज्वाइन क्या होता है? बेसिकली राइट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन को हम बोलते हैं राइट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका मतलब कि जो राइट टेबल होता है, राइट टेबल का पूरा रिकॉर्ड आपको रिटर्न करेगा और लेफ्ट टेबल का जो मैच रिकॉर्ड होगा वो रख करता है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता था, बेसिकली लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड करता है, राइट टेबल का मैच रिकॉर्ड इसमें जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे जैसे देख लीजिए, इसमें दो टेबल हैं, ए एंड बी, दो टेबल्स हैं। ठीक है, इसमें मतलब आपका ए टेबल है, आपका लेफ्ट टेबल है, दूसरा राइट टेबल है। राइट टेबल देखिए, बी का पूरा रिकॉर्ड आएगा और उसके बाद आपका मतलब लेफ्ट टेबल का जो मैच रिकॉर्ड होगा वो आएगा। देखिए मतलब 5-6, देखिए इसमें मैच है। ठीक है, इसमें मैच मतलब क्या क्या मैच आ रहा है, इसमें देखिए 3-4 मैच आ रहा है, 3 और 4 दो रिकॉर्ड इसमें देखिए आ रहा है, लेकिन लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ मैं। जैसे हमारे पास देखिए, एक कस्टमर है, एक हमारा ऑर्डर है, दो टेबल्स हैं, दोनों टेबल का जो हमने ज्वाइन राइट ज्वाइन किया उसमें देखिए हमारा जो रिजल्ट आया हुआ है। अब राइट टेबल जो ऑर्डर था, राइट टेबल है, इसमें मतलब देखिए पूरे रिकॉर्ड आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर जितना टेबल है। ठीक है, और लेफ्ट टेबल का जो मैच रिकॉर्ड है वही उसी का डेटा आया हुआ है। देखिए मतलब जैसे लेफ्ट टेबल में देखेंगे 3 से मैच कर रहा है, 3 का रिकॉर्ड आया हुआ, देखिए यहाँ पर डेबिट, और 5 का मैच कर रहा है, 5 का रिकॉर्ड आया है, मैच आया हुआ रिटर्न। ओके, चलिए मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ, एक वीडियो करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, चलता हूँ मैं। हमारे पास देख लीजिए, दो हमारे पास सोर्स है, एक हमारे एम्प्लॉय, एक डिपार्टमेंट। ठीक है, मैं डिपार्टमेंट को लाइट टेबल बनाऊंगा, एम्प्लॉय को लेफ्ट टेबल। क्विकली आपको शो करता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए, उसके लिए मैंने पहले क्या किया हुआ, दो मैंने डेटा सेट क्रिएट कर लिया है, एक डिपार्टमेंट का मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा देखिए डिपार्टमेंट है हमारा, दूसरा हमारा क्या है, एम्प्लॉय की का डेटा सेट मैंने क्रिएट कर लिया है। ओके, ये आपका एम्प्लॉय है। अब मैं इसी पर मैं आपको दिखाऊँगा बात करके। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि डेटा फ्लो क्रिएट करते हैं, न्यू डेटा फ्लो। ओके, इसको हम चाहे क्लोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्लोज कर दिया हमने। अब मैं डेटा एड करता हूँ, डेटा सोर्स टू एड करता हूँ मैं। पहला आपका हो जाएगा सोर्स EMP एम्प्लॉय, और इसका मैं डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया मैंने एम्प्लॉय का। ओके, सेम ऐसा हम एक और एड करेंगे हम, जिसका नाम देंगे हम डिपार्टमेंट, सोर्स डिपार्टमेंट नाम दे दिया इसका हम, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इसमें हम यहाँ पर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया, दूसरे सोर्स हमारे पास हो गए। अब उसके बाद करते हैं हम राइट ज्वाइन, प्लस पे क्लिक करेंगे हम ज्वाइन, इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, ओके, उसके इस पर जाएंगे हम, इसका नाम देते हैं राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। ओके, लेफ्ट टेबल आपका एम्प्लॉय होगा, राइट टेबल आपका क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट, ताकि डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पर हम राइट आउटर ज्वाइन ले लेंगे, दोनों सेम होता है, राइट ज्वाइन राइट आउटर ज्वाइन दोनों सेम होते हैं। ठीक है, उसके यहाँ पर जाएंगे हम डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, राइट टेबल से भी हमारा डिपार्टमेंट आईडी दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब उसके बाद हमने क्या किया कि एक सिंक लेता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, हम इसको स्टोर करते हैं, सिंक लिया हमने। अब इसको हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन स्टोर करते हैं, यहाँ पर डेस्टिनेशन निकल लिया। ठीक है, राइट ज्वाइन का जो आउटपुट होगा वही हम स्टोर कर देंगे हम। इन लाइन लेता हूँ मैं, ठीक है, डेटा क्रिएट नहीं करूँगा मैं, तो इसमें हमारा क्या होगा, डेलिमिटेड टाइप होगा। यहाँ पर जाएंगे हम, देखेंगे आप तो आपको मिल जाएगा डेलिमिटेड टेक्स्ट, मतलब CSV में करेंगे हम, और लिंक सर्विस हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर लिंक सर्विस हमने यूज़ कर लिया। ओके, उसके बाद इस एड जी छोड़ देंगे, सेटिंग में जाएंगे हम, सेटिंग कंटेनर नाम दे देंगे हम डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन नाम दे दिया। फोल्डर चाहे कुछ फोल्डर नाम देना चाहे दे सकते हैं हम, अदरवाइज उसे छोड़ दीजिए आप। ठीक है, फर्स्ट रो हमारा आज हेडर हो जाएगा, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नल छोड़ देंगे हम, उसके बाद होगा फाइल ऑप्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंगल फाइल, सिंगल आउटपुट फाइल क्रिएट करेंगे हम। ओके, और उसका नाम दे देंगे EMP विथ डिपार्टमेंट विथ एम्प्लॉई डॉट CSV, हमने इसका नाम दे दिया। ओके, अब यहाँ पर इसे हम सेट कर देंगे डिफॉल्ट, दैट्स इट। ओके, अब इसको आउटपुट देखना है तो हम कह रहे हैं इसको ऑन कर देते हैं, मीनवाइल ऑन होता है हमारा, एक क्लस्टर हमारा ऑन हो रहा है।
मैं मीनवाइल मैं एक काम करता हूँ, एक मैं क्विकली मैं पाइपलाइन क्रिएट करता हूँ। पाइपलाइन क्रिएट किया, अब यहाँ पर आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं करना, दैट्स इट। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अभी हमारा देखिए पाइपलाइन जो है कस्टमाइज स्टार्टअप स्पिनअप हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं क्योंकि स्टार्ट हो गया, हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूशन देखिए हमारा स्टार्ट हो गया। अब जब आपको हम डेटा देखना भी है, डेटा फ्लो में जाएंगे आप, ठीक है, तो आप यहाँ पर मतलब कि फाइनल आउटपुट जब डिटेल देखेंगे आप, यहाँ पर डेटा प्रीव्यू में जाएंगे आप, रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे आप डिपार्टमेंट का पूरा डेटा आएगा, बट एम्प्लॉय का सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आएगा, दैट्स इट। ये आपका राइट जॉइन का कंसेप्ट है, ठीक है। एक बार टाइम लेगा मान लीजिए, उसके बाद ये मैं चलता हूँ यहाँ पर, डेस्टिनेशन फोल्डर मेरे पास है, ओके। अभी देखिए यहाँ पर नहीं आया, अभी देखिए थोड़ी में आ जाएगा। इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। पाइपलाइन में अभी एग्जीक्यूट है, इन प्रोग्रेस में है, देखते हैं पहले कौन सा होता है। आई होप कि देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए, ठीक है। हमने यहाँ से कुछ सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, तीसरे सभी रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ मैपिंग में कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा फॉर्मेट दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं एम्प्लॉई आईडी में देखिए, मैं एम्प्लॉई आईडी इसको लेता हूँ, नेम उसको डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट कर सोर्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में यूज करता हूँ, दैट्स इट, बस, ओके। अब इसको अगर दोबारा रिफ्रेश करेंगे हम, तो हमें दिखेगा यहाँ पर डिपार्टमेंट का पूरा रिकॉर्ड दिखेगा, और एम्प्लॉय का हमारा मतलब कि वही जो दिखेगा जो मैचिंग रिकॉर्ड होगा, ओके। अब यहाँ पर जाएंगे देखेंगे हम क्या क्रिएट हुआ हो, क्रिएट हो गया। अब इसमें भी देखिए सभी रिकॉर्ड आ रहे होंगे, जितने था सबका रिकॉर्ड आएगा, हो सकता है डुप्लीकेट भी मैच भी आए, क्योंकि आया हुआ है, ठीक है। ये इसमें वेल फॉर्मेट नहीं आया हुआ, इस चीज़ वजह से मेरे को सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। बस इसमें मैं आपको शो कर दूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं शो करूँ, देख लीजिए। अब देखिए डिपार्टमेंट के पूरे रिकॉर्ड देखिए आए हुए हैं, देखिए डिपार्टमेंट के पूरे रिकॉर्ड देखिए आए हुए हैं, बट एम्प्लॉय देखिए जो मैच रिकॉर्ड था वही रिकॉर्ड है, वो देखिए यहाँ पर, ठीक है। अभी हम इस पाइपलाइन को दोबारा अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा मैं, तब जाकर आपको मतलब कि एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट मतलब एक्सपेक्टेड था यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि मतलब कि इसका रिजल्ट वही आएगा, सेम आएगा जो मैंने आपको शो किया, ओके। आई होप कि आपको मतलब राइट जॉइन कर समझ में आ गया, ओके ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच।